अभिराम प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। और नारे लगाते हुए प्रयागराज की सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। माननीय मुख्य अतिथि जो ये प्रतिमा आपके सामने है, इनके श्री चरणों में बारंबार भूया भूया दो वर्ष के कारावास की सजा दी गई तथा अंतिम लोगों को दोषी कर दिया गया। वे 19 महामानव जिन्होंने भारत माता के श्री चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दिया, वे किस तरह के लोग रहे होंगे, क्या उनकी सोच। सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय के चरणों में श्री अमर परिश्रम के अनुरोध है जिलाधिकारी प्रयागराज से के मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हुए इसी क्रम में बैज अलंकरण। अरे मैडम सामने से हटिए, सामने से हटिए। सम्माननीय मुख्य अतिथि सिर पर आज के इस लोगों लगी हुई टोपी को धारण करते हुए आईजी सर श्री केपी सिंह सर, कमिश्नर प्रयागराज, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका अभिनंदन करते हुए आईजी सर भी बैज अलंकरण करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत इस पल का। श्री मकसूद उल्ला को अंग वस्त्रम प्रदान कर हमारे माननीय मंत्री जी उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें अभिनंदित करते हुए उनका सम्मान बेगम को सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रभारी कुछ प्रदान कर माननीय मंत्री जी उनका सम्मान करते हुए उनका अभिनंदन करते हुए उनका वंदन करते हुए। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आइए आभा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार संचालक महोदय। आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिराम प्रस्तुति डॉक्टर आभा की ओर से। मित्रों कोई युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना तो इसी काम करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के घोड़े के लगाम को दांतों तले दबा करके किले की दीवार पर दौड़ती हुई फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 12 जनवरी 1863 पे पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए। 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह बात 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में भाषण किया। पहला भाषण भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे मित्र
आज से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवीय का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रत्येक नागरिक तक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में एक भाव पैदा कर सके, इस एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ की गई है। ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत माता को आजाद कराया, उनको सबको नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक बड़ा कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और महामहिम राज्यपाल जी के इस सोच के आधार पर चौरी चौरा कांड को ध्यान में रखते हुए 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए चौरी चौरा कांड शताब्दी समारोह का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया है और यह कार्यक्रम 1 साल तक लगातार चलेगा और चौरी चौरा कांड में शहीद हुए अमर वीर सपूतों के लिए आज चौरी चौरा कांड पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट भी 5 रुपये का जारी किया है। मैं समझता हूँ कि अमर शहीदों के प्रति यह बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद शहीदों के सपनों का भारत बनाने की जो प्रेरणा आज भारत के कोने कोने में इस कार्यक्रम को जिस तरीके से लोगों ने उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं, बच्चों को एक नई सीख मिली है और आज हमारा भारत जिस प्रगति के रास्ते पर जा रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान उन अमर शहीदों का है जिनके कारण से भारत माता को आज़ादी मिल पाई है। आज हम आज प्रयागराज में हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के श्री चरणों में पुष्पांजलि करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और ऐसे ही अनेकों अमर शहीदों के कारण से ही भारत माता को आज़ादी मिल पाई है। आज का यह कार्यक्रम उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी घोषणा किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, यह कार्यक्रम साल भर चलेगा। राष्ट्र धुन के माध्यम से, पुलिस की बैंड के माध्यम से उन अमर शहीदों को राष्ट्र धुन बजा करके भी श्रद्धांजलि होगी। काव्य गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और लगातार अमर शहीदों के श्री चौड़ों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम चलता रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो भारत रत्न